नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज ऑफ नरेंद्र पे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको भी जरूर प्रेस कर लीजिए। इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि कंप्यूटर के लिए इन्वर्टर कैसे खरीदें। अगर आपके पास दोस्तों पहले से घर के लिए इन्वर्टर है तो वो कंप्यूटर में यूज़ हो सकता है, लेकिन अगर आप एक बिल्कुल नया इन्वर्टर खरीदने जा रहे हैं कंप्यूटर के लिए तो कैसे खरीदें, ये जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने जा रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों मैंने भी एक साल प्लस एक इन्वर्टर खरीदा था मेरे कंप्यूटर के लिए, तो मुझे इसमें जितना भी नॉलेज है वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इन्वर्टर उपयोग उन जगह पर अधिकतर होता है जहाँ पर लाइटें बार बार जाती है या लगातार लाइटें कट जाती है, तो वहाँ पर इन्वर्टर एक वरदान की तरह है। जैसे हमारे यहाँ पर वो लाइट लगातार मतलब एक घंटे में दो तीन बार चली जाती है, तो मुझे इसलिए इन्वर्टर जरूरत है। इसके अलावा दोस्तों आप कोई बैंक मित्र, ई मित्र, CSE के अंदर या कंप्यूटर रिलेटेड कोई काम करते हैं, आपका कोई शॉप है डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए, तो भी आपको लगातार लाइट की आवश्यकता है और उसके लिए भी आपको एक इन्वर्टर खरीदने की जरूरत है। तो सबसे पहले मैं हमने कुछ पॉइंट बनाए हैं, उन पॉइंट के आधार पर मैं आपको इस वीडियो के अंदर जानकारी देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं बिल। देखिए दोस्तों, अगर आपके घर का बिल 500 रुपये आता है बिना किसी सब्सिडी के, तो इन्वर्टर लेने के बाद बिल इंक्रीज हो जाएगा। 500 रुपये आता है तो 700 रुपये हो सकता है या 1000 रुपये हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि बिल इंक्रीज़ हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों कितने वॉट का इन्वर्टर खरीदें। देखिए दोस्तों, अगर आप एक कंप्यूटर चलाना चाहते हैं 450 वॉट का, तो उस आधार पर आप 600 वॉट का इन्वर्टर खरीद लीजिए। लेकिन अगर आप दो तीन कंप्यूटर चलाना चाहते हैं तो उनकी पावर सप्लाई के जितने वॉट है सबको प्लस कर लीजिए, और पंखा चलाना चाहते हैं तो उसके भी वॉट प्लस कर लीजिए, और ट्यूबलाइट चलाना चाहते हैं तो उनके वॉट प्लस कर लीजिए। जितने वॉट हो रहा है ना उससे 50 वॉट या 100 वॉट का मतलब ज़्यादा वॉट का इन्वर्टर खरीद लीजिए, ताकि भविष्य में कोई समस्या नहीं आए ओवर लोड की, ठीक है। इसके अलावा इन्वर्टर में दो तरह का आता है, स्कोर वेव और स्वैन वेव। स्कोर वेव क्या होता है दोस्तों, ये थोड़े पुराने होते हैं, पुरानी टेक्नोलॉजी है। इसके अंदर क्या होता है, आपने देखा होगा कहीं कहीं भी जो ट्यूबलाइट होती है उसमें एक साउंड आता है, तो इसके अंदर भी एक साउंड आता है, और ये आपके मोबाइल के लिए ठीक नहीं रहते हैं, मोबाइल ख़राब हो सकता है और कंप्यूटर लैपटॉप भी इससे ख़राब हो जाता है जल्दी। तो स्क्वायर वेव इन्वर्टर नहीं खरीदना है। अगर आप सेकंड हैंड ले रहे हैं तो भी इस बात का ध्यान रखना, और अगर कोई दुकानदार कम कीमत में दे रहा है तो इसका ध्यान रखना है कि स्क्वायर वेव इन्वर्टर नहीं खरीदे। उसके बाद आप दोस्तों प्योर साइन वेव इन्वर्टर, ये दोस्तों ये इन्वर्टर आपके कंप्यूटर के लिए और मोबाइल के लिए सब के लिए ठीक रहते हैं, और इसके अंदर कोई आवाज़ नहीं आती है। लेकिन दोस्तों 100% प्योर साइन वेव नहीं होते, इनके अंदर भी थोड़ा थोड़ा साउंड आता है अगर आप माइक के द्वारा रिकॉर्ड करके आवाज़ सुने तो, इसलिए प्योर तो ये भी नहीं होते। लेकिन ये प्योर साइन वेव इन्वर्टर दोस्तों आप खरीदना चाहिए। अगर आप दुकान पर जा रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा ये प्योर मतलब ये स्क्वायर वेव है साइन वेव, तो जो भी इन्वर्टर खरीदे हैं उसका नाम एक बार गूगल पर सर्च कर लीजिए और पढ़ लीजिए, तो आपको सुविधा रहेगी, ठीक है। और बहुत सारे दुकानदार को दोस्तों खुद को पता नहीं होता है स्कोर वेब साइन वेब, जो और बंदे काम करते हैं ना उनको जरूर नॉलेज रहता है, तो इसीलिए आप अपना विवेक का उपयोग ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि इन्वर्टर बैटरी कितना एएच के खरीदें। देखिए अगर लाइटें एक घंटे में दो तीन बार आती जाती है तो आप 80 से 100 एएच की बैटरी खरीद लीजिए, वो आपके लिए पर्याप्त है। लेकिन लाइटें लगातार कटती 6 घंटे 8 घंटे, तो आप बड़ी बैटरी खरीदिए 150 या 200 की एएच की या 106 एएच की, वो आपके लिए ठीक रहेगी क्योंकि वो लंबा बैकअप देगी आपको। और इसके अलावा दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब भी इन्वर्टर खरीदें तो बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग डेट देख लें, यानी अगर 2020 है और आप 2018 की बैटरी ले रहे हैं तो उसमें जैसे 2019 की बैटरी ले रहे हैं तो एक साल पहले से निकल गई, तो जो पीछे बची ना वारंटी, जैसे बैटरी 36 महीने की और 48 महीने की वारंटी सताती है, तो 12 महीने तो निकल गए, 12 महीने और बचे, तो इसलिए आप और आपकी बैटरी की वारंटी जब से काउंट होगी जब से आपने लिया, यानी अगर आपकी बैटरी 36 महीने की है तो आप जैसे 2020 में ले रहे हैं ना बैटरी, तो मैन्युफैक्चरिंग देख ले 2020 की होनी चाहिए, ऐसे नहीं दो तीन महीने पुरानी होगी तो चलेगी, ऐसे नहीं कि 12 महीना पुरानी है तो एक साल तो वैसे निकल गई, तो इसका ध्यान रखिए। क्योंकि जब मैंने इन्वर्टर खरीदा तो 2018 में खरीदा था, 2017 की बैटरी ले ली, तो एक साल पुरानी बैटरी ले ली, दुकानदार ने मुझे सस्ता तो दिया लेकिन मुझे नहीं पता था इस प्रकार वो गड़बड़ घोटाला किया उसने, तो इसका ध्यान रखिए। क्योंकि जब कंपनी वाले ठीक करने आएंगे तो पूछेगा यार वो मतलब उस दिन की डेट देखा है जिस दिन से आपने दुकान पर खरीदा, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो दोस्तों ये मैंने कुछ टिप्स बताए आपके कंप्यूटर के लिए इन्वर्टर खरीदने के लिए, तो इन बातों का ध्यान रख लीजिए और एक इन्वर्टर खरीद लीजिए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आने वाली वीडियो के अंदर दोस्तों मैंने कौन सा इन्वर्टर खरीदा है, कौन सी बैटरी खरीदी है, उसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा,
और उसका रख रखाव कैसे करना है उसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर जानकारी दूंगा, और मैंने कनेक्शन कैसे किया है, मैंने डायरेक्ट कनेक्शन किया है उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो आने वाली वीडियो के अंदर आपको उसकी जानकारी मिलेगी। अगर आपको आने वाली वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को दोस्तों आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी हम आने वाली वीडियो बनाएं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।